हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एंट्री पास करेंगे और किस किस तरीके से एंट्री पास करें कि गलती ना हो। ये बात कई बार बता चुका हूँ हालांकि, लेकिन चलिए एक बार फ्रेश शुरुआत करते हैं नई कंपनी बनाने से लेकर के। और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ ही साथ कि कैसे GST चालू करना और GST किस तरीके से, कब IGST अप्लाई होगा, कब CGST और SGST अप्लाई करना है टैली में, ये भी साथ साथ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये टैली ओपन कर लेना है आपको और यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से न्यू कंपनी हम बनाएंगे। तो ये क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। कंपनी पे जाने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये F3 दिया हुआ है कंपनी, तो या तो आप शॉर्टकट की F3 प्रेस कीजिए या तो आप कंपनी पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्रिएट कंपनी आ रहा है, यहाँ पे जाकर के एंटर कर देंगे तो एक कंपनी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नई कंपनी बनानी है, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका लोकल एड्रेस हो वो एड्रेस वगैरह डाल करके एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे स्टेट जरूर चूज कीजिएगा, अगर आप GST अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट नहीं चूज करेंगे तो नहीं अप्लाई हो पाएगा GST, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर है और काम भी हमारा 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा है, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। और एक हमारी व्यूअर हैं, उन्हीं के कहने पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मैं कई बार बना भी चुका हूँ ये वीडियो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GST को यस करना है क्योंकि GST चालू ही करना है हमें, और यहाँ पे रेगुलर रख करके और यहाँ पर एंटर करिएगा। यहाँ पे आप अपना GST IN नंबर डाल सकते हैं, तो जो भी आपका GST IN रहा हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए डेमो के लिए एक डेमो GST IN डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे GST IN नंबर सेट ऑब्लिक अल्टर GST रेट डिटेल्स को यस करना है और यहाँ पे रखना है टैक्सेबल, और टैक्सेबल रख करके एंटर करना है। आप देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स में बाई डिफॉल्ट टैक्स 12% का लगा रहा हूँ, तो 6-6% के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये काम आपका हो जाएगा। तो ये एक नई कंपनी एशियन कंपनी बन गई और पहली एंट्री जो पास होती है वो होती है रिसिप्ट वाउचर में। तो कैश होगा नहीं तो काम कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये कहलाता है सिंगल एंट्री मोड। हालांकि आप इस एंट्री में भी एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे पास करेंगे, यहाँ पे एंटर करिए। अब यहाँ पे कैश आ रहा है, देख सकते हैं, तो करना क्या है, यहाँ पे कैश रख दीजिए और यहाँ पर क्या करना है, अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बना लीजिए। अल्ट सी प्रेस करेंगे और कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बना लेंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ये कैपिटल अकाउंट का लेजर हो गया। एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये एक्सेप्ट भी हो गया तो यहाँ पे कैपिटल आ गया। आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में वो देख लीजिए और एंटर करके और नरेशन वगैरह डाल करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये सिंगल एंट्री मोड में ही हमने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास कर दी। अब यहाँ से सीधा आ जाना है परचेज में, जो आपको होलसेलर से बिल मिलता है उसकी एंट्री यहाँ पे पास होगी। तो यहाँ पे सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर आपके बिल पे दिया गया हो वो डाल दीजिए, चाहे तो कैश रख सकते हैं और उधार के लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते हैं। तो अगर उधार की खरीदारी की है तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया। अब इनका नाम है गौरव, सी कर दिया, सी यानी क्रेडिटर, ठीक है, पहचान के लिए। यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, एस वाला सारा ग्रुप हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ क्रेडिटर चूज कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन चालू रहना चाहिए, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसका बड़ा महत्व है, ठीक है। और स्टेट वगैरह चूज करते हुए आगे बढ़िएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर बना लीजिएगा परचेज का लेजर। तो यहाँ सीधा सीधा परचेज देखता हूँ मैं, PURCHASE, तो ये परचेज का लेजर हो जाएगा, ये जाएगा अंडर परचेज के ग्रुप में, यहाँ से परचेज अकाउंट चूज कीजिएगा एंटर करके और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट हो गया, अब परचेज का लेजर भी बन गया। अब यहाँ स्टॉक आइटम बनाना है, आपके बिल पर कौन कौन से स्टॉक आइटम आप परचेज करके लाए हैं होलसेलर से वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे परचेज किया है, लाइक सपोज कीजिए, अब हिंदी में टाइप करके दिया, जैसे अब तक तो ये रहा, अब देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम जो भी मैं बनाऊंगा यहाँ पे हिंदी में, तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दाल, तो ये लिख दिया दाल, अब दाल लिख दिया और यहाँ पे देखिए दाल आ गया, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिट बना लेंगे, चेंज करेंगे वापस से, यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो KG ही रखना पड़ेगा, और यहाँ फॉर्मल नेम किलोग्राम कर देते हैं, किलोग्राम एंटर करेंगे और यहाँ पे UPC कोड KG आ जाएगा और यहाँ पे 3 कर देते हैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पे चाहे तो अलग से GST रेट आप सेट कर सकते हैं, लेकिन चलिए करके दिखा देता हूँ। जैसे 12% सेट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन वैल्यू रख करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से टैक्सेबल करेंगे। अब मान लीजिए 5% ही सेट करना हो तो 2.5% के हिसाब से दाल पर ये टैक्स अप्लाई हो गया है, ठीक है। और कितना किलो दाल परचेस किया गया है, उसका कीमत कितना है, 130 रुपये खरीद रेट, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक आइटम बनाना है, ऑल हो गया, अब एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। अब स्टॉक जो यूनिट है वो पहले से बनी हुई है, केजी, हम केजी आप चाहे तो टन में कर सकते हैं, क्विंटल में कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल हम केजी में ही करेंगे और इसका भी सेम रखेंगे, जो हमने 12% लगाया था वो सेम अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप
जीएसटी के रेट डिटेल्स को अल्टर नहीं करते हैं तो वो सेम अप्लाई हो जाएगा। तो 100 किलो चावल कर देते हैं और चावल का रेट रहेगा खरीद रेट 34 रुपए किलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जीएसटी हमें लगाना है, जीएसटी कैसे लगेगा? तो देखिए यहाँ पर अगर आपका क्रेडिटर उत्तर प्रदेश का ही है तो यहाँ पे सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा, अदरवाइज क्रेडिटर पार्टी अगर आपके सेम स्टेट का नहीं है जहाँ की आपकी कंपनी है तो वहां पर आई जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर सी जीएसटी एस जीएसटी लगा देते हैं। तो देखिए सी जीएसटी हो गया, एंटर करेंगे, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिएगा, यहाँ जीएसटी कर लीजिएगा और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स करके आगे बढ़िएगा, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करिएगा, उसे एक्सेप्ट कराइएगा। तो देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे एस जीएसटी करेंगे, ये एस जीएसटी हो गया, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा और ये भी जीएसटी ही रहेगा, और यहाँ से स्टेट टैक्स करके और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये दोनों हो गया, आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज, ये सामान खरीदा गया तो वही चीज यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी यू आर सी एच ए एस ई डी कर देंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये हो गया। अब ये बिल दिखेगा कैसे वो दिखा देता हूँ आपको, फिर हम सेल्स में एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी इसका पेमेंट भी बाकी है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बिल है, अल्ट पी करके एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल दिखेगा। तो देखिए ये इनवॉइस कुछ इस तरीके का दिखता है, देख लीजिए, ठीक है। जीएसटी वगैरह सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कितना कितना परसेंट लगा हुआ है। तो देखिए दाल, अब देखिए ये बिल हिंदी में प्रिंट हुआ है, हिंदी में बिल प्रिंट हुआ है, देखिए यहाँ पे दाल चावल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक तो हिंदी में प्रिंट कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सेल्स में एंट्री पास करके दिखा देता हूँ सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ से बी बटन प्रेस करेंगे और सीधा चले जाएंगे एफ8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में, तो यहाँ से आ गए सेल्स वाउचर में। अब फिर यहाँ पर भी मैं हिंदी में ही लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा, अब कोई पार्टी आएगी तो उसको अब सामान बेचेगी, अभी तक तो खरीद के लाया तो उसकी एंट्री पास करेगी, खरीद रेट क्या पड़ा, अब यहाँ पे बेच देते हैं। तो जैसे एक दुर्गेश है, तो ये दुर्गेश हमारी डेटर पार्टी है, तो सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डालेंगे, तो एस प्रेस करेंगे, यहाँ नीचे सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर दोनों आएगा, तो डेटर करिएगा इस बार, और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये तो यस ही रहेगा, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। अगर ये पार्टी देखिएगा, अगर ये पार्टी किसी अन्य राज्य की है एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो जैसे राजस्थान कर देते हैं या कोई अन्य राज्य कर देते हैं, कोई भी अन्य राज्य जैसे उड़ीसा कर देते हैं, तो उड़ीसा अगर हो गया है तो जो भी अन्य स्टेट की बात आएगी तो वहां पे आईजीएसटी ही केवल लगेगा, और कोई भी जीएसटी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, एक लेजर और बनाएंगे जो हो गया, और एंटर करेंगे, अंडर सेल्स के ग्रुप में ये जाएगा, ये हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब यहाँ पर सेल वही कर पाएंगे जो स्टॉक आइटम आपके पास होगा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉक आइटम आप बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं प्रेस करके दिखाता हूँ कैसे ही आएगा। तो पहले तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लूंगा या हिंदी कर लूंगा, अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ DALL, तो देखिए दाल और चावल दोनों आ रहा है, तो एंटर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चावल आ गया, आपकी जितना है उससे ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे खरीद रेट जो भी पड़ी थी उससे ज्यादा का बेचेंगे, तो ये चावल है तो 60 रुपए किलो के भाव से बेच दिया। अब मान लीजिए दाल होगा तो दाल कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ से ये 30 किलो दाल हो गया, एंटर किया, अब इसका प्राइस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 150 रुपए किलो आप बेच रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जीएसटी भी लगेगा, तो यहाँ पे क्या सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा, नहीं होगा, देखिए सीजीएसटी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो आईजीएसटी क्योंकि डिफरेंट स्टेट हो गया ना, तो आईजीएसटी करेंगे, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसे डालेंगे, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, यहाँ जीएसटी करेंगे और जीएसटी करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स करके यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया, अब सिर्फ आईजीएसटी ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इसको एक्सेप्ट कराता हूँ और आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे अल्ट पी कीजिएगा, एंटर कीजिएगा और आई बटन प्रेस कीजिएगा, तो ये आपको प्रिंट आउट निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ देखिए ये भी बिल हिंदी में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, अगर कोई दिक्कत फिर भी होती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ओके।